हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे, पहले अपने वीडियो बनाए थे उसमें अपने प्राणायाम बताए थे फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए। आज मैं आपको ऐसे 5 तरीके के आसन बताऊंगा कि जिसके करने से आपके फेफड़े मजबूत रहते हैं, शरीर में ऊर्जा रहती है और आप अभी कोरोना के टाइम में आप एक अच्छा फील करोगे अगर ये आसन आप घर पर करोगे तो। नंबर 1, ताड़ासन। ताड़ासन अभी इस वक्त में ज़रूर करें। ताड़ासन से आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचती है, फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं, एक एक्स्ट्रा क्षमता पैदा होती है इसे करने से, और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। सेकंड, बलासन। इस आसन का करने से आपके शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है। इसके करने से रक्त में अधिक ऑक्सीजन पहुँचती है, इसके तनाव, चिड़चिड़ापन और थकान दूर होती है। तो अभी के समय ये बलासन आप जरूर करें। थर्ड करें मत्स्यासन। मत्स्यासन भी अपने शरीर के लिए अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही अच्छा आसन है। इसके करने से पेज में कब्ज, गैस, बदहजमी आदि बीमारियां दूर होती है और अपने फेफड़े इससे मजबूत होते हैं, लंग्स की स्ट्रोंगनेस इसमें आती है, इसमें छाती भी अपनी इसमें स्ट्रोंग होती है, इसलिए ये आसन आप जरूर करें। फोर्थ है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन भी अपने शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसके करने से अपनी श्वसन प्रक्रिया है, जो अपन जो सांस लेते हैं वो ब्रीदिंग पैटर्न एक अच्छा होता है। इसके करने से अपने वजन पेट की चर्बी और कम होती है। ये अपने पूरे शरीर की सही तरीके से एक एक्सरसाइज करा देता है, इसलिए ये आसन अपने शरीर के लिए बहुत बहुत ही अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए जरूरी है। फिफ्थ है वृक्षासन। वृक्षासन करने से आपके शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है, आपका शरीर एक हल्का फुल्का महसूस करता है। इसके करने से अपने शरीर में एक ऊर्जा मेंटेन रहती है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही जरूरी है। ये आपके कमर दर्द को दूर करता है, आपके शरीर का एक बैलेंस मेंटेन रखता है और टखनी, रीढ़ की हड्डी भी इससे मजबूत होती है और आपके फेफड़े, लंग्स में इसमें स्ट्रोंगनेस आती है, मजबूती आती है। तो ये आसन भी आप जरूर करें। ये 5 आसन आज मैंने बताए हैं, आप जरूर करें। और अगर आपको कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नमस्कार।